आज मैं आप सबके लिए पालक की एकदम स्वादिष्ट और जबरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पालक की सब्जी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनती है। और पालक की इस हेल्दी और टेस्टी सी सब्जी को हमने थोड़ा अलग तरीके से बनाया है, तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम पालक लिया है। पालक के पत्तों को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब इन सारे पालक के पत्तों को हमें बारीक बारीक चॉप कर लेना है। इन चॉप किए हुए पालक के पत्तों में हमें नमक डालना है। 1 छोटा चम्मच नमक डालकर इसे मिक्स करके रख देंगे हम 10 मिनट के लिए, ताकि पालक के जो पत्ते हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज लिए हैं, 1 इंच अदरक लिया है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 2 हरी मिर्च लिए हैं। इन सबको हमें चॉपर में डालना है। आप चाहें तो ग्राइंडर जार का भी यूज कर सकते हैं। और चॉपर में डालकर इसको हमें बारीक चॉप कर लेना है। यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, तो पालक के पत्तों से देखिए कितना सारा पानी अलग हो गया और पत्ते भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसका पानी हमें छान कर अलग करना है। पानी को हम फेंकेंगे नहीं, पानी को हम ग्रेवी में यूज करेंगे। अब इन पालक के साथ हमें ये प्याज मिक्स कर देना है, जो हमने प्याज मिर्च अदरक और लहसुन को चॉप किया था। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल दीजिए और 4 बड़े चम्मच बेसन डालकर हमें सभी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। इसमें हमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, जो पालक में मॉइस्चर है उससे ही जो बेसन है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाता है। तो एक डो की तरह इसे तैयार कर ले और इसके हमें इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेने हैं। तो सारे बॉल्स बनाकर इसको हल्का चपटा कर लिया है मैंने यहाँ और प्लेट पे रेडी करके रखा है। अब ग्रेवी तैयार करने के लिए कढ़ाई गरम कर ली है। इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। गरम तेल में हमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग और 1 बड़ी इलायची डाल देना है। अब इसमें 2 चुटकी हींग और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दें। मसाले भुन जाए तो हम ये चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। जब प्याज हल्के भूनकर सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। प्याज और टमाटर को 2-3 मिनट तक पका लीजिए। इसके बाद इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल दें। मसालों को खूब अच्छे से मिला लीजिए और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब मसालों को हमें प्याज टमाटर के साथ अच्छे से पकाना है, तो 2-3 मिनट इसको भूनते हुए पका लीजिए। और अगर इसका पानी सूखने लगे तो थोड़ा सा और पानी डाल दें और गैस की फ्लेम को धीमी कर दें। और इसके ऊपर इस तरह से हमें एक बड़ी सी छन्नी रख देनी है। और ये जो हमने पालक और बेसन के बॉल्स तैयार किए थे, इसको हमें इसके ऊपर रख देना है ताकि ये भाप से अच्छे से पक जाए। तो सारे पालक के बॉल्स डालकर हमें इसको ढककर 7 से 8 मिनट तक स्टीम कर लेना है। तो 7 से 8 मिनट में ही ये पालक और बेसन है ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। तो आप इसको बड़ी आसानी से ग्रेवी के साथ ही स्टीम कर सकते हैं। अलग से आपको स्टीम करने की या इसे फ्राई करने की जरूरत नहीं है। सभी पालक बेसन के बॉल्स को हम प्लेट पर निकाल लेंगे और इनको हम ऐसे ही ग्रेवी में यूज करेंगे। आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई या डीप फ्राई कर सकते हैं, बट इसको अगर आप हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही ऐड करें। इधर हमने जो पालक की करी तैयार की है ये भी काफी अच्छे से पक गई है। मसाले सारे अच्छे से भुन गए हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो एक बार में दोनों काम हो गए। अब इसमें हम ये पालक के पत्तों का पानी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिलाते हुए 2-3 मिनट पका लीजिए। और अब हम अपने ये पालक और बेसन के बॉल्स डाल देंगे। इनको डालकर अच्छे से मिला लीजिए और ढककर इनको 4 से 5 मिनट तक पका लें। इसके बाद इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी गरम मसाला पाउडर डाल दें। इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसमें 2 बड़े चम्मच मलाई डाल देंगे। घर की फ्रेश मलाई है और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मलाई डालकर आप इसको 1-2 मिनट तक पका लें और बस लीजिए, हमारी पालक की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी सब्जी बनके तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें रोटी या पराठे के साथ। और यकीनन आप इस तरीके से बनाएंगे तो जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ करेगा। तो पालक की ये बिल्कुल नई और अलग सी सब्जी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।